ये फ्यूनरल सेरेमनी से एक दिन पहले का मंजर है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा ख्याल था कि वहां इतनी रात को कुछ ज्यादा लोग नहीं होंगे। सेंट जेम्स पार्क से जाने वाले लोगों की तादाद आने वाले लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को क्यों लोग आ रहे हैं। मैं कुछ टाइम वहां गुजारने के बाद वहां से चला गया। वो सुबह ऑलमोस्ट 5:30 दोबारा आया कि अच्छा सा सपोर्ट ढूंढ के वीडियो बनाऊंगा, और इसी खुशफहमी में था कि इतनी सुबह को कौन घोड़ा उठा होगा। और आप देख लें, ये सुबह का मंजर है, लगता है जैसे सारी रात लोग आते रहे हैं। अब मैं जगह ढूंढता रहा कि कोई तो जगह खाली होगी जहाँ से लोगों के सरों के ऊपर से वीडियो बनाने की बजाय मैं सामने से वीडियो बना सकूं। लेकिन जनाब, पार्क का एंड तक गया लेकिन कोई जगह नहीं मिली। अब मैं इससे आगे तो जा नहीं सकता था क्योंकि दूसरी तरफ उससे ज़्यादा लोग खड़े थे। इसलिए वहाँ खड़े लोगों के सरों के ऊपर से, कंधों के ऊपर से पाँव उठा उठा कर वीडियो बनाने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि लंबी हाइट होने का कितना फ़ायदा है। ऑलमोस्ट पार्क का एंड है जहां से कॉफिन को गुजरना था। कुछ घंटे गुजरने के बाद रेडियो पर सेरेमनी का आगाज हुआ। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ और प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, और फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ट्रूप का आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो सब मार्च करते हुए सामने के ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे थे। The choir and the congregation stand to sing a hymn of song at the wedding of
The young princess has been devoted to the girl, the forlorn shepherd of the long horse. जब क्वीन की डेथ की न्यूज होने हुई थी तो यूनियन फ्लैग्स को बकिंगम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आधा नीचे कर दिया गया था। Procession begins its measured progress down the length of this part of the Abbey known as the choir, flanked on both sides by the congregation and the choristers.
coffin bearers will follow shortly. The Virgin leads the procession, and behind him, the primatial crosses of Canterbury and York are held aloft. The eight members of the bearer party, eight men from the Queen's Company, 1st Battalion Grenadier Guards, will move shortly into position to take up the Queen's coffin. It will be followed by the King, the Queen's consort, and their family. So now the royal family stay in place. King Charles looks on in the south transept of the abbey, seated close enough almost to reach out and touch his mother's coffin. Opposite the royal family, sitting on the front of the north transept of the abbey on the other side of the catafalque and the Queen's coffin, members of foreign royal families, and here on both sides the congregation is 25 rows deep.
ये सामने रेड फ्लैग में क्वीन का कॉफिन है और पीछे कार्स में किंग और रॉयल फैमिली है। जैसे ही कॉफिन गुजरा मैंने दोबारा जगह ढूंढना स्टार्ट कर दी और खुशकिस्मत से कुछ देर चलने के बाद मुझे एक जगह मिल भी गई। जब वहां से कॉफी गुजरा तो मैंने दोबारा से जगह ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन पार्क के स्टार तक चला गया लेकिन कोई जगह भी मुझे ना मिली। हर जगह पर मौजूद थे, फेंस पर, बार्स पर, जहाँ जगह मिली, हत्ता के पार्क के गेट पर भी लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक जगह खाली थी, वो थी दरख्त। यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि लोग कितने मुहज़्ज़ब हैं, चाहे कोई जगह मिली या नहीं मिली लेकिन ये दरख्त पर नहीं चढ़े। अगर मैं भी उनको देख कर मुहज़्ज़ब ना हुआ होता तो मैं अपना पाकिस्तानीपन दिखाता और दरख्त पर चढ़ जाता। हम पाकिस्तानी दरख्त तो क्या बिजली के खंभों पर भी चढ़ने से गुरेज नहीं करते।